नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां रोसड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांधी चौक के समीप हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से पैसे की निकासी कर अपने सीएसपी केंद्र पर जा रहे सीएसपी संचालक से 2,03,000 रुपए लूट लिया तथा आराम से भाग निकले। उक्त घटना मंगलवार 11 जुलाई के दोपहर बाद की बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रोसड़ा पुलिस सदल बल घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित सीएसपी संचालक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मेहथी गांव निवासी मोहम्मद इकबाल के रूप में की गई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मेहथी गांव निवासी मोहम्मद इकबाल रोसड़ा थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 2,03,000 रुपए की निकासी कर अपनी बाइक पर सवार होकर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मेहथी गांव अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सुनसान जगह पर बाइक सवार बदमाशों ने सीएसपी संचालक के बाइक को ओवरटेक करके रोका तथा हथियार के बल पर उससे 2,03,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर स्थानीय पुलिस पदाधिकारी का बताना है कि घटना के तुरंत बाद पूरे जिले की नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल करके चले 2,03,000 रुपया, और चलने के बाद गुमती के पास से रास्ता जो गया है तेल गुमती को करके गुमती लगा हुआ था, उसी दरमियान हम आगे जा रहे हैं और एक उधर से मोटरसाइकिल सामने से मोटरसाइकिल आ रहा है और एक हमें ओवरटेक करते हुए आगे से निकला है, आगे आगे हमसे जा रहा है, पीछे से आगे होते हुए जा रहा है। उसके बाद हमको हमारे सामने में पहला मोटरसाइकिल रोक दिया है, उसके बाद फिर उधर से जो मोटर बाइक आ रहा है पल्सर से वो भी उसके सामने रोक करके और बाइक से बात करने लगा दोनों, और उसके बाद पीछे से आदमी उतर करके हमारे सामने में सर पर पिस्टल लगा दिया। लगाने के बाद हमसे जो बैग में रकम था वो बैग सहित ले लिया।